नाम संकीर्तनम। शरत कुमारों ने कहा भैया नाम संकीर्तन ही कथा का सार है। क्या सार है, क्या सार है? नाम संकीर्तन। और इतना सुना तो प्रह्लाद स्थलधारी तरल गति तया चौधवा कांस्यधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। इतना सुनते ही कथा सुनने के लिए जितने श्रोता बैठे थे उनमें प्रह्लाद जी भी विराजमान थे, उनमें नारद जी भी विराजमान थे, अर्जुन जी भी विराजमान थे, इंद्र भी विराजमान था। तो प्रह्लाद जी ताली बजाने लगे, सनत कुमार जय हो गाने लगे। इंद्रो ने बारदीन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग उठा ली। अर्जुन जी राग करने में बड़े माहिर हैं, अर्जुन जी ने राग छेड़ दिया, अलाप भरना छेड़ दिया, प्रारंभ कर दिया राग मालकोस। नारद जी ने वीणा उठा ली और वीणा की तान पर नारद जी टिनटनाने लगे स्वर को, नाम संकीर्तन के लिए तैयार हो गए। चारों कुमारों से तो ना तो गायन आता था ना वादन, तो चारों कुमार बीच बीच में जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जो का जोर से जयकारा लगाने लगे। संगीत के तीन अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। तो गायन हो रहा वादन हो रहा पर कोई नाच नहीं रहा, तो भक्ति महारानी ने देखा कि सब नाम संकीर्तन गा रहे पर कोई नाच नहीं रहा, तो अपने ज्ञान और वैराग दोनों बेटों की बाहें पकड़ी और ताता थैया करती हुई भक्ति महारानी नाचना प्रारंभ कर देती हैं। और बड़ा मधुर नाम संकीर्तन कथा के ब्राह्म में, महत्म के ब्राह्म में प्रारंभ भया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, से प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक हम गा करके कथा की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं।
जन्मादस्यतोन्वयादितिरथ चार्थे सुविज्ञान तेने ब्रह्महिद्या आदि कवि मुह्यन्ति यति सूरया तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तिकुहिकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में ही सत्य भगवान की स्तुति की, सत्य भगवान को वंदन किया। और देखो भाई, नाम जरूर ठाकुर जी का नहीं लिया, पर इससे यह सिद्ध हो गया कि सत्य ठाकुर जी ही है। बोले क्यों? बोले जब भगवान का अवतार हुआ तब देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर के स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम पाम शरणम प्रपन्नः। तो सत्य कोई और नहीं, ठाकुर जी ही सत्य है।